केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। वो जब बीजेपी में चले गए तो उसका केस खत्म हो गया, फाइनल हो गया, वो महात्मा गांधी बन गए। शरद पवार जी के भतीजे की स्थिति पहले चोर कह दिया गया, बाद में बीजेपी के डिप्टी सीएम बने तो वो संत हो गए। महात्मा गांधी बीजेपी से बड़ा नर्क है क्या, जो सिवाय पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, आतंकवाद, इसके अलावा कभी हिंदुस्तान के 140 करोड़ की जरूरत पर ये बोला ही नहीं। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी गंगोत्री मैंने दुनिया में बहुत सारी पार्टियां, लालू यादव केस का जो सरकमस्टांसेस था बिल्कुल एक तरह का था, डिफरेंट नहीं है। अलग अलग जिले के कोषागार से सिग्नेचर तो एक ही मुख्यमंत्री का हुआ, फाइल एक ही थी, 10 फाइलें तो थी नहीं। जितने समय वो जेल में रहे, जितनी अवधि अलग केसों में उनको पूरा करना पड़ा, सरकमस्टांसेस जो परिस्थितियां एक थी, इस केस को भी टैग कर देना चाहिए। 5 साल की सजा हुई, 60 लाख जुर्माना, ये अच्छा नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आया ये कौन सा जजमेंट का हिस्सा है। 5 साल में लोअर कोर्ट से भी बेल मिल सकती है, या तो हाईकोर्ट तो तुरंत बेल मिलेगी। जो सामाजिक संघर्षमय और राजनीतिक जीवन लंबा समय रहा है, और जो उम्र के दहलीज पर है, और जो बीमारियां, उससे शारीरिक रूप से उसके अपनों के बीच रहना चाहिए। और पता नहीं, मुझको लगता है कि यहां वो ज्यादा मेंटल पीस समझते हैं कि घर में जो परिस्थितियां हैं घर की, इसके पहले भी जब वो जेल में थे तो बहुत कम ही स्नेह प्यार अपनों का और परिवार का मिल पाया। इस बार भी इतनी बड़ी चीजों में गए, परछाइयां बहुत कम थी परिवार की। कुछ लोग तो एकदम मुताबले में है शहीद के नाम पर, और ऐसी ही गंदी राजनीति के नाम पर पॉलिटिकल इवेंट्स करके सत्ता और जाति उन्माद की बात करते हैं। उनको समझ होनी चाहिए कि लालू यादव से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत थी। और यह भी जिस तरीके से भूल से, मुझे नहीं लगता कि किसी चोरी करने की नीयत से लालू यादव जी ने ऐसा कुछ दस्तखत किया होगा। यदि किसी ने भूल से करा ली होगी तो कुछ लोग जो अनुकंपा पर राजनीति करना चाहते हो, तो उन्होंने तो उनकी उतावलापन आज तक है कि भाई हर चीजों में, हर टिकट में पैसे, हर जगह पैसे, एमएलसी से एमएलए, एमपी से लेके चेयरमैन तक के पैसे। और वो कहते हैं कि लालू यादव ही क्यों, बिल्कुल ठीक बात है, और भी लोग हैं, और भी चीजें हैं। मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी के विरोध में जो रहता है उसको खामियाजा अभी चन्नी जी को भुगतना पड़ा, लालू यादव जी नहीं है, ममता दीदी को भुगतना पड़ा। सर्वोच्च सरकार में रहता है वो अपने तरीके से चीजें करता है। मुझको लगता है कि ये मामला हाईकोर्ट में अविलंब जाना चाहिए, हाईकोर्ट से निश्चित न्याय मिलेगी। 60 लाख का जुर्माना भी खत्म होंगे या कम होंगे। नीतीश कुमार ने सही कहा कि जो लोग उन पर, हमने तो केस किया नहीं और ना हम चाहते थे, जो लोग उन पर केस किए वो उन्हीं के साथ है। कुछ लोग बीजेपी में हैं, तो मुझको लगता है कि इस मामले को हम लोगों को अविलंब सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, ताकि वह अपना सही वक्त अपनों के बीच गुजार सके और न्याय मिल सके उन्हें। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।